कि दोस्तों ये लड़का इस लड़की को कार से धक्का मार देता है और बाहर निकलकर लड़की से माफी मांगता है। लड़की जब वहाँ से जाती है तभी किडनैपर लड़की को कार के डिक्की में बंद कर देता है और छोटा लड़का ये सब देख लेता है। तभी किडनैपर कार में फोन से बात करता है। तभी छोटा लड़का कार पर गंदा कपड़ा मार देता है। तभी किडनैपर उतर कर शीशा साफ करता है। तभी छोटा लड़का कार का डिक्की खोल देता है और लड़की के बंधे हाथ खोलता है। तभी किडनैपर बैठता है, देखता है कि कार का डिक्की खुला हुआ है और लड़की उस बच्चे को छुपा लेती है। ये किडनैपर उस बच्चे को देख लेगा लेकिन उससे पहले। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट। और जिन्होंने नहीं किया है कर दो आज। और किडनैपर डिक्की को बंद कर देता है और छोटा लड़का बोलता है दीदी मैं आपको बचा लूंगा। वो देखिए चोर भैया का फोन। छोटा लड़का बोलता है आप किसी तरह कार को रोका देंगे तो मैं फोन चोरी करके ले आऊँ। तभी लड़की कार को पीटती है, किडनैपर कार को रोक देता है और लड़की फंस जाकर डिक्की खोलता है। छोटा लड़का बहादुरी से फोन चुरा लेता है और जाकर लड़की को दे देता है। लड़की फोन लगाती है, किडनैपर शीशे में देख लेता है और गाड़ी रोक कर डिक्की खोलता है। तभी लड़की लात मारती है और किडनैपर गिर जाता है। लड़की और बच्चा भागने लगता है। लड़की ट्रक के पीछे छिप जाती है। जैसे ही किडनैपर आगे जाता है लड़की पीछे से भाग जाती है और किडनैपर देख लेता है लड़की पीछे करने लगता है। तभी छोटा बच्चा अपने भाई आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। तभी लड़की बोलती है कि ये लड़का मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। लड़का बोलता है रुक जा मैं पुलिस को फोन करता हूँ।